अभी तो पहले जो अपना सेकंड चैप्टर रिमेनिंग है पहले उसको पूरा करते हैं। तो सेकंड चैप्टर जैसा कि हमने लास्ट क्या क्या पढ़ लिया था एक बार आप खुद अपनी बुक में देखेंगे तो आपको पता पड़ेगा कि अभी तक अपन ने कुछ सेकंड चैप्टर में क्या क्या देखा था। इनपुट और आउटपुट उपकरणों के बारे में हमने कुछ देखा था कि अपने जो कंप्यूटर के पेरिफेरल्स है यानी कि कंप्यूटर के जो पार्ट्स है उसको अपन ने कैसे कैसे बांट रखा है, इनपुट में बांट रखा है, आउटपुट में बांट रखा है और इनपुट आउटपुट दोनों में बांट रखा है। ये तीन तरह के हमने क्या देखे थे, उपकरण देखे थे, इनपुट आउटपुट और इनपुट आउटपुट दोनों। हर किसी में हमने कुछ कुछ एग्जाम्पल देखे थे, जैसे इनपुट में कुछ होते हैं, आउटपुट में कुछ होते हैं और इनपुट आउटपुट के कुछ अलग होते हैं। तो इस तरीके से हमने कुछ एग्जाम्पल्स भी देखे थे। उन एग्जाम्पल्स के अलावा हमने उसके बारे में देखा था, जैसे इनपुट के अगर मैं आपसे कुछ एग्जाम्पल अगर पूछूं कि इनपुट में क्या क्या आता है, तो इनपुट में सबसे पहला उपकरण कौन सा होता है जिसे कि हम सबसे पहले यूज लेते हैं कंप्यूटर चलाते वक्त, तो वो कीबोर्ड होता है। कीबोर्ड आपका इनपुट उपकरण हो गया। दूसरा सबसे बड़ा उपकरण कौन सा होता है, माउस। तो केवल हमने माउस नहीं पढ़ा था, हमने क्या क्या पढ़ा था, जैसे कि हमने एक पढ़ा था पॉइंटिंग डिवाइस। आप इनपुट की अगर बात कर रहे हैं तो मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे लिख के रिवाइज भी हो जाएगा आपका। तो इनपुट में हमने क्या क्या देखा था, एक तो देखा था सबसे पहले तो कीबोर्ड, ये अपन ने सबसे पहले देखा था कीबोर्ड। दूसरा हमने देखा था पॉइंटिंग डिवाइस, क्या देखा था याद आ रहा है कुछ, पॉइंटिंग डिवाइस करके हमने कुछ पढ़ा था। और पॉइंटिंग डिवाइस में बहुत से पार्ट हमने बांटे थे कि अलग अलग पॉइंटिंग डिवाइस होते हैं, जैसे कि कुछ कुछ अगर याद आ रहे हो आपको, टच पैड, माउस, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक, ऐसे कुछ अपन ने एग्जाम्पल्स देखे थे। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बनता है, क्वेश्चन ये बनता है कि निम्न में से कौन सा पॉइंटिंग डिवाइस है या फिर कौन सा पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है, ये क्वेश्चन आपके सामने बन सकता है। आपको चार ऑप्शन दे सकते हैं, उसमें से या तो तीन सही के ऑप्शन दे देंगे और या फिर तीन गलत दे करके एक सही का ऑप्शन दे देंगे। तो ये कुछ क्वेश्चन आपके सामने आ सकता है इस पॉइंटिंग डिवाइस से। इसके अलावा हमने इनपुट के अंदर और क्या क्या देखा था, तो इनपुट के अंदर हमने जैसे देखा था स्कैनर, फोटो को स्कैन करने के लिए हमने एक देखा था वेब कैमरा। इसके अलावा हमने कुछ कुछ स्कैनर्स जैसे OMR, OCR, MICR ऐसे कुछ देखे थे। OMR, OCR, MICR ये कुछ हमने देखे थे। इसमें सबसे मेन क्या रहता है, इनके पूरे पूरे नाम, तो सभी को आपको इनके पूरे नाम याद होने चाहिए कि OMR का पूरा नाम क्या है, OCR का क्या है और MICR का क्या है। तो OMR का पूरा नाम जैसे कि क्या होता है, ऑप्टिकल मार्क रीडर, ऑप्टिकल मार्क रीडर। OCR का ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन या फिर ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। और तीसरा MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ये क्वेश्चन एक तो बन सकता है इनके फुल फॉर्म से, क्वेश्चन अब मैं बता रहा हूँ कि किस पॉइंट से क्या क्या बन सकता है। तो एक तो क्वेश्चन इससे बन सकता है इनका फुल फॉर्म, या फिर बन सकता है जैसे OMR की विशेषता क्या होती है, किसी कागज पे चिन्हों कोई चिन्ह होते हैं उनको पढ़ने में काम आता है, OMR की ये होती है। OCR की क्या होती है कि किसी कागज पे लिखे हुए अक्षरों को पढ़ने का काम करता है। और MICR की क्या होती है कि एक बैंक के अंदर चेक पे जो चेक नंबर लिखा हुआ होता है तो उसको पढ़ने में कौन कौन काम करता है, MICR। तो इस तरीके से सबके अपने अपने यूजेज है, एक एक यूजेज मैंने आपको पहले बताए थे, वो आपको यूज ध्यान रखना है, उससे क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो इसके अलावा कुछ आपको अगर याद आ रहे हो, जैसे एक एक और रह गया था BCR, बार कोड रीडर। ये बार कोड रीडर मैंने आपको बताया था, शॉपिंग वाला एग्जाम्पल दिया था कि एक जगह से आप माल खरीदते हो तो एक जगह उसका इन्वेंट्री कम हो जाता है, स्टॉक कम हो जाता है, यानी कि उसके पास जितना माल पड़ा है उसमें से वो लेस हो जाएगा कि ये मेरा चला गया, और जहां से वो आगे रिक्वायरमेंट जहां से आता है उसका माल वहां से क्या कि जब एकदम कम होने लग जाएगा तो फिर वहां से ऑटोमेटिकली माल आ जाता है, किसके थ्रू, BCR के थ्रू, बार कोड रीडर। तो वो स्कैन जो करते हैं मॉल के अंदर, तो वो बार कोड रीडर हो गया। तो इस तरीके से ये कुछ अपने क्या है, इनपुट डिवाइसेज हैं। तो अब आप अपनी एक बार बुक भी खोल लीजिए
तो बुक में ये अपन ने इनपुट डिवाइसेस तो देख लिए थे। इसके बाद अपनी बारी आई थी आउटपुट डिवाइसेस की। तो आउटपुट डिवाइसेस में, आउटपुट डिवाइसेस में मेनली क्या-क्या थे, इसमें मैं पेन चेंज कर दूं चाहूं तो, जैसे कि प्रिंटर था, और क्या था, मॉनिटर था। मॉनिटर के टाइप्स पता है क्या, कितने तरीके के थे? मॉनिटर के दो टाइप थे, एक कौन से थे, सीआरटी, दूसरे कौन से थे, फ्लैट पैनल। एक कौन से थे, सीआरटी, दूसरे फ्लैट पैनल। फ्लैट पैनल में दो थे, एलसीडी और एलईडी। ठीक है, तो इसमें इसका पूरा नाम आ सकता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले या फिर लाइट एमिटिंग डियोड। ये दोनों है इसके पूरे पूरे नाम में, लाइट एमिटिंग डियोड या फिर लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ये मैंने शायद आपको पिछली क्लास में लिखवा दिए थे। सीआरटी कैथोड रे ट्यूब, ये सीआरटी मॉनिटर थे। इसका मैंने बता दिया था आपको कि डॉट पिच होते हैं, छोटे छोटे बिंदु होते हैं, उनके बीच में जो खाली जगह होती है वो क्या कहलाती है, डॉट पिच। एक क्वेश्चन बनने लायक होता है। और या फिर डिस्प्ले बनता किससे है, पिक्सल से। ये एक क्वेश्चन और बन सकता है कि डिस्प्ले किससे बनता है, पिक्सल से बनता है। ये दो क्वेश्चन है कि जो बनने लायक हैं, जो बन सकते हैं। अब बाकी इनके अलावा बात आती है आगे, तो आगे अपन बात करते हैं प्रिंटर की। अब ये जो प्रिंटर थे, तो प्रिंटर भी अपन ने कितने तरीके के देखे थे, दो तरीके के देखे थे वैसे तो, कि एक तो इम्पैक्ट और दूसरे नॉन इम्पैक्ट। और वैसे इम्पैक्ट के अंदर हमने देखे थे कैरेक्टर प्रिंटर और लाइन प्रिंटर, ऐसा ही कुछ था ना। ये जैसा कि आपकी बुक खुल गई है, तो इस बुक के अंदर आप देखेंगे तो आपके आउटपुट डिवाइस थे, यहाँ पे ये अपना मॉनिटर हो गया। इसके बाद ये इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के बारे में बताया। ये दो तरीके के प्रिंटर बातें हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे ऊपर आप अगर देखेंगे तो प्रिंटर में, प्रिंटर की क्वालिटी किस में नापी जाती है, ये ध्यान रखना। प्रिंटर में प्रिंटर की क्वालिटी, गुणवत्ता किसमें नापी जाती है, तो यहाँ पे एक छोटी सी लाइन के अंदर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, कि प्रिंटर की क्वालिटी को डॉट पर इंच में नापा जाता है। किसमें नापा जाता है, डॉट पर इंच में, डीपीआई में। प्रिंटर की क्वालिटी को डीपीआई में नापा जाता है। डीपीआई का पूरा नाम क्या होता है, डॉट पर इंच। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, डीपीआई में नापा जाता है किसको, प्रिंटर की क्वालिटी को। और प्रिंटर को मोटे तौर पर इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट, मैंने बताया था पिछली क्लास में कि जो पेपर से डायरेक्ट इम्पैक्ट होते हैं, रिलेशन रखते हैं, वो इम्पैक्ट, और जो पेपर पे एकदम भार नहीं छोड़ते हैं, वो नॉन इम्पैक्ट होते हैं। इसमें अपन ने देख लिया था पिछली क्लास में कैरेक्टर प्रिंटर होता है और दूसरा लाइन प्रिंटर होता है, और नॉन इम्पैक्ट में इंकजेट, लेजर और प्लॉटर प्रिंटर हो गया। ठीक है, प्लॉटर और थर्मल प्रिंटर, तो ये इस तरीके के प्रिंटर हो गए हमारे। अब सबकी एक एक बात बताएंगे आप। सबसे पहले चलते हैं अपन जैसे लाइन, ये कैरेक्टर प्रिंटर में, तो कैरेक्टर प्रिंटर एक एक कैरेक्टर को प्रिंट करते हैं। ठीक है, इसके एग्जाम्पल ध्यान रखना, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है इसमें, एग्जाम्पल का, कौन कौन से आते हैं, डॉट मैट्रिक्स और डेजी व्हील। ये दो नाम ध्यान रखना, कि अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि कैरेक्टर प्रिंटर इनमें से कौन से, तो आपको ये ऑप्शन दिख जाए अगर, तो इन पर लगा देना, बाकी दूसरों को भूल जाना, डॉट मैट्रिक्स और डेजी व्हील। इसी तरीके से लाइन प्रिंटर क्या, एक साथ एक एक लाइन प्रिंट करते हैं। तो इसमें आप एग्जाम्पल देखोगे तो कौन से आ रहे हैं हमारे पास, लाइन प्रिंटर, चेन प्रिंटर और ड्रम प्रिंटर, तीन एग्जाम्पल है। तो ये तीन तरीके के एग्जाम्पल याद करने हैं आपको, ठीक है, लाइन, चेन और ड्रम। अब नॉन इम्पैक्ट की बारी आती है, तो उसमें इंकजेट है और लेजर प्रिंटर है और तीसरे थर्मल प्रिंटर है। और ये प्लॉटर बिल्कुल अलग पार्ट ले लिया इन्होंने, ठीक है, प्लॉटर को एक तरीके से इन्होंने अलग कैटेगरी डाल दी। वैसे ये ना इम्पैक्ट है और ना नॉन इम्पैक्ट है, और वैसे देखे जाए तो नॉन इम्पैक्ट के अंदर आप रख सकते हो, लेकिन आपकी बुक में इसको अलग बता रखा है, पूरा पॉइंट नया ले रखा है प्लॉटर को। ठीक है, अभी देखते हैं क्या है ये। तो इंकजेट में था कि इसमें गीली स्याही का यूज होता है, और लेजर प्रिंटर में था कि सूखा पाउडर, जिसको कि एक टोनर नाम के, क्या, टोनर कार्टेज, ये आप यहाँ पे नाम मैंने पिछली क्लास में भी बताया था, ये टोनर कार्टेज का यूज होता है, और सूखी स्याही भरी जाती है इसमें, और इसके ऊपर जो है इंकजेट, इसमें गीली स्याही का यूज होता है, जैसे छोटी छोटी इंक की बूंदों का छिड़काव होता है, उसके थ्रू प्रिंट आता है। ठीक है, काम की बात यही है इसमें।
और प्लॉटर को कौन लोग यूज करते हैं, इंजीनियर्स लोग यूज करते हैं जिनको हाई क्वालिटी का प्रिंट चाहिए होता है, जैसे बारीक से बारीक लाइन भी उनको अच्छे तरीके से प्रिंट चाहिए होती है ना, वो लोग प्लॉटर का यूज लेते हैं। ठीक है, अभी आउटपुट डिवाइस में और क्या था, एक स्पीकर आ गया, मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर आ गया। प्रोजेक्टर क्या होता है कि आपके जैसे मूवी देखते हैं आप थिएटर में जाके, तो मूवी देखते हैं तो आपको पता है ये जो मूवी चलती है आपके सामने की स्क्रीन, वो सिर्फ एक छोटी सी मशीन के ऊपर डिपेंड करती है। एक साम अगर सीधा आप थिएटर में ऊपर की तरफ देखेंगे बीचों बीच, तो एक छोटा सा वो लगा हुआ था, वो प्रोजेक्टर होता है, जिससे कि आपका वो एक छोटा सा डिस्प्ले बड़े डिस्प्ले में चेंज हो जाता है। ठीक है, इनपुट आउटपुट डिवाइस कौन कौन से थे, तो ये मैंने आपको पिछले क्लास में बता दिए थे, फैक्स मशीन क्या था, फैक्स मशीन कैसे था, और ये मल्टी फंक्शनल डिवाइस बताए थे जिसमें प्रिंटर स्कैनर साथ में हो सकते हैं, हेडफोन हो सकता है अपना जिससे कि गाने भी सुनते हैं और माइक से बात भी करते हैं, और तीसरा मॉडेम हो सकता है। इसमें मैंने दो काम बता दिए थे, एनालॉग से डिजिटल और डिजिटल से एनालॉग, ये काम मैंने बता दिए थे। ठीक है, अब इसके बाद आज हमारी नई क्लास स्टार्ट हो रही है, कहाँ से, कंप्यूटर मेमोरी। आखिर ये कंप्यूटर मेमोरी होती क्या है, तो अभी तक अपन हर जगह बात करते आए थे पहले कि कंप्यूटर के चार पार्टीशन होते हैं, इनपुट आउटपुट स्टोरेज और इनपुट आउटपुट प्रोसेस और स्टोरेज, ये चार चीजें थी। अब ये जो स्टोरेज है ना, ये आखिर है क्या, किस में होती है, अब इसकी बात होगी। तो स्टोरेज को कौन हैंडल करता है, ये आखिर होता कहाँ पे ये काम, तो ये काम होता है मेमोरी के अंदर। अब ये मेमोरी अलग अलग तरीके की हो सकती है, आपके इस बुक के अंदर मेमोरी को कितने भागों में बांटा है, तो इस मेमोरी को आप अगर देखेंगे तो बुक वालों ने आपके तीन भागों में बांटा है, एक बांटा है कैशे मेमोरी, एक बांटा है मेन मेमोरी जिसको आप प्राइमरी भी बोल सकते हैं, मेन या फिर प्राइमरी, और तीसरा पार्टीशन किया है इसका सेकेंडरी। और इस मेन के अंदर मेनली दो आते हैं जिसका नाम शायद आपने सुना हो, रैम और रोम, इसका पूरा पूरा नाम होता है, रैम का पूरा नाम होएगा और रोम का पूरा नाम होएगा, तो वो अपने को देखना पड़ेगा क्या क्या होता है। तो यहाँ पे आप रैम अगर देखेंगे तो रैम का पूरा नाम क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये किसका पूरा नाम हो गया, रैम का। और रोम का क्या पूरा नाम हुआ, रीड ओनली मेमोरी। एक थोड़ा राइटिंग का जरूर इश्यू रहता है, क्योंकि क्या होता है कि मेरा ये ग्राफिक्स टैबलेट होता है, इसका सरफेस इतना सही नहीं होता है, तो लिखते टाइम वो वर्ड थोड़ा हिल जाता है, उस वजह से थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। बाकी वैसे कभी कोई दिक्कत होती है तो मैं उस वर्ड को बोलता हूँ, तो बोलते टाइम आप वैसे कैच कर लीजिए कि मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या लिखना चाह रहा हूँ। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। तो सबसे पहले तो अपन पढ़ते हैं इस कैश मेमोरी को, कि मेमोरी को कितने भागों में बांटा है, ये चीज़ ध्यान रखना, कैश मेमोरी, मेन मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी को अभी थोड़ी देर बाद में पढ़ेंगे, पहले कैश मेमोरी को। तो कैश मेमोरी ये ध्यान रखना कि बहुत ही हाई स्पीड मेमोरी होती है, बहुत ही हाई स्पीड, उच्च गति की हाई स्पीड मेमोरी होती है। और दूसरा इसमें क्या वर्ड आ रहा है, सेमीकंडक्टर, अर्धकंडक्टर। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि उच्च गति की अर्धकंडक्टर कौन सी मेमोरी होती है, तो आपके सामने ऑप्शन आ सकते हैं। तो काम का वर्ड यही है इसमें, उच्च गति की अर्धकंडक्टर मेमोरी कौन होती है, कैश मेमोरी। ठीक है, हाई स्पीड की अर्धकंडक्टर, ठीक है, जो कंडक्ट पूरा नहीं करती है, आधा कंडक्ट करती है, मतलब आधा संभालती है। और ये मेमोरी काम कहाँ पे आती है, ये ध्यान रखना, ये मेमोरी मेनली होती सीपीयू के अंदर है, किसके अंदर, सीपीयू के अंदर होती है। और इसको यूज एज ए क्या लिया जाता है, मुख्य मेमोरी के लिए, मुख्य मेमोरी की तरह। तो इसके लिए मेरे को आपको मुख्य मेमोरी को पहले समझाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये पॉइंट अपना अभी एक बार बाकी है कि मुख्य मेमोरी क्या है, ये चीज अपने को अभी देखनी है, ठीक है। तो मुख्य मेमोरी को अभी देखेंगे। अब ये करता क्या है, ये जो मुख्य मेमोरी होती है ना, उसकी स्पीड को बढ़ाने का काम करती है। कैश मेमोरी क्या करती है, जो मुख्य मेमोरी थी हमारी, दो रैम और रोम, उनकी स्पीड को बढ़ाने का काम करती है। यानी कि एक तरीके से वो ये है कि आप
एक्सीलेटर आपके पास अगर एक है, यही अगर एक की जगह दो एक्सीलेटर हो तो हो सकता है कि आपकी स्पीड फिर गाड़ी की ज़्यादा रहेगी। वही चीज़ है कि रैम के साथ साथ अगर आपके पास कैश मेमोरी हो तो आपकी जो कंप्यूटर की नॉर्मल स्पीड एक सिर्फ रैम के बजाय अगर आपके पास कैश मेमोरी है तो एक तो पीसी सिर्फ रैम का है और एक कैश मेमोरी के साथ रैम का है तो उसकी स्पीड बजाय उसके ज़्यादा होगी। तो ये चीज़ है कि ये इसकी स्पीड को बढ़ा देती है। ये डाटा और प्रोग्राम के उस भाग को अपने पास रखता है जिसका बार बार सीपीयू यूज लेता है। जो ऐसी चीज है ना कि सीपीयू को बार बार यूज में लेनी है तो उस चीज को क्या करेगा, वो खुद की मेमोरी में डाल लेगा जिससे कि सीपीयू को बार बार किसी दूसरे के पास नहीं जाना पड़ता है। अब एक्चुअली होता क्या है, ये मैं आपको मेमोरी का सीन समझाता हूँ। आप जब कोई भी काम कर रहे होते हैं, आप जब कोई भी क्या कर रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं, आप कोई भी काम कर रहे हैं कंप्यूटर में, जैसे कि मैं ये अभी काम कर रहा हूँ कंप्यूटर में लिखने का, आप वर्ड में कुछ लिखने का काम कर रहे हैं, आप पेंट में कुछ बना रहे हैं, आप एक्सेल में कुछ कैलकुलेशन का काम कर रहे हैं, कुछ भी कंप्यूटर में काम कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि वो जो काम कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं स्टोर तो हो रहा है, तभी आपको काम दिख रहा है। जैसे अभी ये मैंने कुछ लिखा है थोड़ी देर पहले, ये सब अभी मुझे दिख रहा है बट अभी तक मैंने सेव नहीं किया है, ये कंप्यूटर में सेव नहीं किया फिर भी ये मुझे दिख रहा है, कैसे दिख रहा है ये? तो ये चीज के पीछे क्या लॉजिक है कि ये जो काम चल रहा है ना, ये जो आप कर रहे हैं, ये टेम्पररी सेव होता है। टेम्पररी मतलब अस्थायी रूप से सेव होता है। टेम्पररी सेव कहाँ पे होता है, हमारी मेन मेमोरी के अंदर, ठीक है? अब मेन मेमोरी कौन सी है, नॉर्मली मेन मेमोरी रैम को कहा जाता है। दूसरी जो रोम है उसकी बात मैं अभी करूंगा, इसको आप थोड़ा सा साइड में रखो। रैम के अभी मैं किसको बोल रहा हूँ, रैम को, मेन मेमोरी के बारे में बोल रहा हूँ, यानी कि मैं रैम को समझा रहा हूँ, मेन मेमोरी को भी समझा रहा हूँ। तो आप जो काम कर रहे हैं जब तक आपने सेव नहीं किया है फिर भी वो आपको दिख रहा है कि आपने अभी तक क्या क्या काम किया है, यानी कि ये काम कहाँ पे सेव हो रहा है, आपके मेन मेमोरी के अंदर सेव हो रहा है, ठीक है? ये एक चीज समझ में आ गया, मेन मेमोरी का यूज यानी कि रैम का यूज, और रैम मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस, रैंडम मतलब कभी भी, एक्सेस मतलब यूज लिया जा सकता है, मेमोरी मतलब मेमोरी को, यानी कि ऐसी मेमोरी जिसको कभी भी यूज लिया जा सकता है वो मेमोरी कौन सी कहलाती है, रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है? अब यहाँ पे मेन मेमोरी हो गया हमारा रैम, तो ये बात अभी आ रही थी कि उस भाग में रखा जाता है जो सीपीयू द्वारा बार बार इस्तेमाल किया जाता है। अब सीपीयू को अगर कोई चीज बार बार यूज लेनी है, वो बार बार मेन मेमोरी के पास में जाए, जैसे कि काम मेन मेमोरी के पास में ही पड़ा है जब तक सेव नहीं है, तो सीपीयू क्या होगा कि उससे स्पीड स्लो हो जाएगी, कि बार बार उसको मेन मेमोरी के पास जाना पड़ेगा ना, उससे स्पीड की उसकी जो गति होगी वो क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। अगर उस गति को आप बरकरार रखना चाहते हैं, मेंटेन रखना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको कैश मेमोरी की एक सा वो आप क्या कह सकते हैं कि एक तरीके से वरदान दिया गया, कैश मेमोरी जैसा, कि आप डायरेक्ट सीपीयू के अंदर ही एक मेमोरी खोल रहे हैं, नहीं, सीपीयू के अंदर ही आपने सीधा मेमोरी खोल दिया। तो उस तरीके से क्या हो सकता है कि सीपीयू को बार बार मेन मेमोरी के पास नहीं जा करके उसका जो कैश मेमोरी है वो सीधा वहीं से ले लेगा, और कैश मेमोरी धीरे धीरे जैसे मेन मेमोरी के पास जो चीज बार बार यूज होती है ना उसको खुद के पास रख लेगी। अब सीपीयू इससे यूज लेगा और कभी कभी ये जब यूजलेस हो जाती है, यानी कि इसका काम नहीं है, इसको वो वापस मेन मेमोरी को दे देगा, और जो बार बार काम आने वाली है उसको वापस ले लेगा। तो कैश मेमोरी कुल मिला के रैम की हेल्प करती है, रैम की स्पीड को बढ़ाती है, इसीलिए कहा गया कि ये मेन मेमोरी की स्पीड को बढ़ा देगी, यानी कि मेन मेमोरी का यूज भी कम होगा और ये यूज दबाव किस पे आ जाएगा, कैश पे आ जाएगा। एक तरीके से आपको एक्स्ट्रा मेमोरी मिल गई, ठीक है? तो यही बात इसमें लिख रखी है। और ये ध्यान रखना कि जितना टाइम मेन मेमोरी लेती है ना उससे भी कम टाइम प्रोसेस होने में कैश मेमोरी लेती है, यानी कि सबसे फास्ट है जो तीन आपको टाइप दे रखे हैं उनके अंदर। और कैश मेमोरी भी डाटा को कैसे रखती है, अस्थायी यूज के लिए, यानी जैसे मेन मेमोरी में भी बोला वो भी अस्थायी यूज के लिए रखती है, कैश मेमोरी भी अस्थायी यूज के लिए रखती है, ठीक है? अब इसके बाद इसकी कुछ सीमाएं बताई गई है, तो सीमाओं में क्या क्या आता है, एक तो आता है कि ये लिमिटेड कैपेसिटी की होती है, 32 बिट्स, 64 बिट्स, यानी कि छोटी छोटी साइज की होती है और बहुत ज्यादा महंगी होती है, छोटी साइज की एक तो और ऊपर से महंगी, तो दोनों चीजें क्या हो जाती है, इसकी सीमाओं में आ जाती है। अब अपन आ जाते हैं मेन मेमोरी के अंदर, यानी कि हमारी दो मुख्य मेमोरी रैम, रोम। पहले मैं सारी रैम की बात कर देता हूँ फिर रोम पे आता हूँ, ठीक है? तो
सबसे पहली चीज, अभी मैंने बता दिया आपको कि आप जो भी काम कर रहे हैं वो सेव कहाँ पे हो रहा है, मेनली मेन मेमोरी के अंदर सेव हो रहा है, मेन मेमोरी यानी कि रैम के अंदर सेव हो रहा है, ये आपको मान करके चलना है। हम यहाँ पे मान रहे हैं कि कैश मेमोरी हमारे पास नहीं है, और अगर है भी तो वो एक छोटा सा सहयोग दे रही है मेन मेमोरी को। पूरा का पूरा सेव तो कौन कर रहा है? आपका मेन मेमोरी यानी कि रैम। अब यहाँ पे अगर आप सोचो, जब आपका कंप्यूटर कोई फाइल को बिना सेव किए बंद हो जाता है, जैसे कभी कभी पावर ऑफ हो जाता है, लाइट चली जाती है, कंप्यूटर बंद हो जाता है एकदम, और आपके वर्ड पे कोई आप काम कर रहे थे, 2 पेज आपने टाइप कर दिया था, ठीक है, और एकदम क्या होता है कि वो फाइल सेव नहीं करी फाइल, फिर आपको वो डाटा कहाँ से मिलेगा? तो यही इसकी खामी है कि मेन मेमोरी में डाटा कब तक रहता है, जब तक आप उसको एक तरीके से पावर ऑन है एक बार का सीपीयू का। अगर आपका पावर जैसे ही ऑफ होता है, वैसे ही डाटा क्या हो जाएगा, आपका डिलीट हो जाएगा। और डाटा अगर डिलीट नहीं हो रहा है, तो ये मान करके चलना कि वो प्राइमरी मेमोरी में नहीं था, वो किस में था? सेकेंडरी मेमोरी में। तो एक ही डिफरेंस समझ में आ रहा है, प्राइमरी सेकेंडरी में। प्राइमरी में क्या होता है, डाटा जब तक रहता है जब तक कि उसमें आप कंप्यूटर को बंद ना कर दो, कंप्यूटर को जैसे ही बंद किया वैसे ही आपका डाटा क्या हो जाएगा, हट जाएगा। और सेकेंडरी मेमोरी में डाटा हमेशा रहता है। इसका एक एक्सक्लूजन लेकर के चल रहा हूं मैं, एक अपवाद है क्या, प्राइमरी मेमोरी में ही, जो रोम है ना वो अलग चीज है। इसलिए मैं सिर्फ मैंने बोला था कि मैं प्राइमरी मेमोरी यानी कि रैम की बात कर रहा हूं अभी। तो ये चीज समझ में आ गई कि कंप्यूटर आपका जैसे ही बंद होगा वैसे ही क्या हो जाता है, डाटा डिलीट हो जाता है। इसलिए जब तक कंप्यूटर चालू है तब तक तो आपका काम रैम संभाल लेगी, लेकिन जैसे ही कंप्यूटर बंद होगा ना, फिर वो रैम नहीं संभाल पाएगी। इसलिए वो चीज ध्यान रखना। तो बिजली बंद जब तक हो जाएगी तो ये मेमोरी डाटा खो देगी। और इस चीज को क्या बोलते हैं, ये जो मेमोरी डाटा खो देती है ना, इस चीज को बोलते हैं वॉलेटाइल होना, रैम का वॉलेटाइल होना। ये नाम आपके सामने आ सकता है, क्वेश्चन में भी आ सकता है कि रैम कौन से टाइप की मेमोरी होती है, वॉलेटाइल यानी कि अस्थाई, वॉलेटाइल यानी कि अस्थाई, अस्थाई तरह की मेमोरी होती है रैम, ठीक है। इसलिए इसको अस्थाई कहा जाता है क्योंकि डाटा डिलीट हो जाता है। अब मैं दूसरी बात पे आता हूँ, रोम पे, रीड ओनली मेमोरी। रैम की बजाय मैं किस पे आ रहा हूँ, रोम पे, रीड ओनली मेमोरी। मेमोरी के दो काम होते हैं, रीड राइट, पढ़ना लिखना, ठीक है, बचपन से सुनते आ रहे हैं दो नाम तो, रीड और राइट। ये जो रीड काम है ये दोनों में होता है, रैम में भी होता है रोम में भी होता है। ये काम किस में होता है, सिर्फ रैम में होता है, और कभी कभार, कभी कभी रोम में, कोई कोई स्पेशल रोम होती है वहां होता है राइट का। तो ये चीज समझ में आ गई, रीड और राइट। अब ये रीड राइट होता क्या है, सिर्फ आप फाइलों को पढ़ पा रहे हो जो उसके अंदर है तो उसको क्या बोलोगे, रीड करना। और आप उस फाइल को करेक्शन कर सकते हो, उसको हटा के नया फाइल डाल सकते हो अपनी मर्जी का, वो चीज क्या हो गई, राइट करना। तो रीड और राइट दोनों किस में होते हैं, रैम के अंदर, और सिर्फ रीड किस में होता है, रोम के अंदर। इसीलिए इसको क्या बोला गया है, रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। ये चीज समझ में आ गई। अब ये क्या है, एक तरीके से ऐसी चीजें हैं कि जो कंप्यूटर में हमेशा सिर्फ रीड करवानी है, प्रीफिक्स चीजें होती है कुछ, जैसे कि आप जब भी कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं ना, एक ब्लैक स्क्रीन आती है और उस पर बहुत सी चीजें लिखी हुई होती है, वो कंप्यूटर के मदरबोर्ड सीपीयू के बारे में लिखी हुई होती है। तो वो चीजें कभी चेंज नहीं होनी है, वो जैसी है वैसी की वैसी ही रहनी है। तो वो चीजों के क्या करती है कंपनीज, उस मदरबोर्ड में एक रोम फिक्स कर देती है उस डाटा के। तो वो रोम क्या करती है, जो डाटा हमेशा आपको दिखाना है वही डाटा दिखाता है, तो वो रोम का काम हो गया। तो इस तरीके से रोम का यही काम होता है कि उसमें डाटा हमेशा सेव रहता है और कभी आपको चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती है। और इनको बोलते क्या है, नॉन वोलेटाइल। वोलेटाइल किसको बोलते थे, रैम को, और नॉन वोलेटाइल किसको बोलते हैं, रोम को, रीड ओनली मेमोरी को। इसका उल्टा हो जाएगा, रोम, रैम, ठीक है। तो इस तरीके से दो चीजें हो गई। अब एक चीज जरूर ध्यान रखना कि प्राइमरी मेमोरी की अभी तक की जो बातें थी उसको पढ़ के मैं एक चीज जरूर कह सकता हूं कि प्राइमरी मेमोरी के बिना
आपका कंप्यूटर नहीं चल सकता है। इसके बिना अगर ये नहीं है तो आपका कंप्यूटर भी नहीं चलेगा, ये ध्यान रखना। अगर ये है तो आपका कंप्यूटर भी चल जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर आपके पास रैम ही नहीं है तो आप जब भी कुछ भी स्टोर करें, क्योंकि कंप्यूटर जैसे ही चलता है ना वैसे ही वो डाटा को कुछ ना कुछ स्टोर करना चालू कर देता है। अब स्टोर करने के लिए उसके पास कुछ है ही नहीं टेम्पररी, तो वो डाटा किस में डालेगा और किस में डालेगा, ये प्रॉब्लम आ जाती है। तो फिर वो क्या है कि आपके कंप्यूटर को रनिंग नहीं कर पा रहा है और इस वजह से कंप्यूटर चलना बंद हो जाएगा। इसलिए प्राइमरी मेमोरी का होना जरूरी है। और यही बात अगर मैं सेकेंडरी मेमोरी में करूं तो सेकेंडरी मेमोरी इसका बिल्कुल उल्टा है, जिसमें ये दोनों बातें एप्लीकेबल नहीं होती है। यानी कि उसमें डाटा अगर वो नहीं है तो भी आपका कंप्यूटर चलेगा, और वो अगर वो है तो भी आपका कंप्यूटर चलेगा। यानी कि सेकेंडरी मेमोरी बिल्कुल इफेक्ट नहीं करती है, इफेक्ट नहीं करती है किसको, कंप्यूटर को। सेकेंडरी मेमोरी इफेक्ट नहीं करती है कंप्यूटर के चलने को, ऐसा मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, कंप्यूटर के चलने को। ठीक है, ये सेकेंडरी मेमोरी की बात हो गई। यानी सेकेंडरी मेमोरी बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं करेगी कंप्यूटर के चलने की बात को लेकर के। अगर वैसा बात करूं कि कंप्यूटर के चलने में जरूरी है क्या, जरूरी नहीं है। जरूरी कौन है? प्राइमरी मेमोरी जरूरी है भाई, इसके बिना कंप्यूटर नहीं चल सकता। तो अब आपके सामने क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं। वोलेटाइल कौन होती है? रैम। नॉन वोलेटाइल कौन होती है? रोम। दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, कंप्यूटर को चलने में कौन सी आवश्यक मेमोरी होती है? प्राइमरी, कैश, सेकेंडरी। तो आप क्या बोलेंगे यहाँ पे? प्राइमरी यानी कि मेन मेमोरी, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया? मेन मेमोरी रखा गया। ठीक है, अब मेन मेमोरी की कुछ विशेषताएं देख लो। तो वह मेमोरी जो कंप्यूटर वर्तमान में कार्य कर रहा है वो उसको सेव करती है। स्पीड मेमोरी की तेज होती है मुख्य मेमोरी की, किससे? सेकेंडरी से, ये ध्यान रखना, सेकेंडरी से। ये इससे कंपैरिजन लिया गया। एक कंप्यूटर प्राइमरी मेमोरी के बिना नहीं चल सकता, ये मैंने बता दिया आपको। रैंडम एक्सेस मेमोरी को बताया गया इस पैरा के अंदर, जो कि मैंने आपको बता दिया था। अब दूसरी चीज इसमें है कि ये इसके टाइप नॉर्मली ये दो तरह की होती है। नॉर्मली दो तरह आपको बता रखे हैं, कौन कौन से तरह के हैं वो मैंने आपको बताया यहाँ पे। डी रैम और एस रैम। डी का मतलब डायनेमिक, एस का मतलब स्टेटिक। डी का मतलब डायनामिक, एस का मतलब स्टैटिक। डायनामिक जो कि बार बार चेंज होता है, डायनामिक जो कि बार बार चेंज होता है। तो यानी कि चेंज का मतलब यहाँ पे हो गया जो समय समय पर रिफ्रेश होती है। समय समय पर रिफ्रेश होती है वो कौन सी हो गई? डायनामिक। और जो उसमें रिफ्रेश की बात नहीं है, यानी कि जिसकी एक तरीके से कोस्ट ज्यादा होती है और डी रैम से तेज होती है, ये विशेषताएं बताइए एस रैम की इन्होंने डायरेक्ट। तो स्टैटिक रैम को इन्होंने क्या बताया कि डी रैम से तेज होती है और इसकी कोस्ट ज्यादा होती है। तो आपके सामने अगर क्वेश्चन दे करके दोनों के ऑप्शन दे दिए सपोज, और आपको पूछ लिया कि इसमें से कौन सी रैम महंगी है, तो आप क्या बोलेंगे? एस रैम। और अगर आपसे पूछा कि कौन सी रैम बार बार रिफ्रेश होती है, तो आप क्या बोलेंगे? डी रैम। ठीक है, और इसके अलावा एस रैम को सामान्यतः सीपीयू कैश के अंदर यूज लिया। तो आपके पास जब एक मेन मेमोरी है और एक कैश मेमोरी है, मेन मेमोरी और कैश मेमोरी दोनों आपस में साथ में काम कब करेगी? जब मेन मेमोरी आपकी कौन सी रैम है? एस रैम है। तो एस रैम और कैश मेमोरी, यही दोनों, अगर आपके यहाँ पे डी रैम है तो वो कैश मेमोरी के साथ काम नहीं कर सकती। ठीक है, ये चीज है। अब इसके अलावा रैम के कुछ अन्य प्रकार भी दे रखे हैं, ईडीओ, एसडी, डीडीआर, एसडी। इनके पूरे पूरे नाम एक बार देख जाना, बाकी ज्यादा कुछ नहीं है। ईडीओ, एक्सटेंडेड डाटा आउटपुट। एक्सटेंडेड डाटा आउटपुट, अगर इसका नाम का हिंदी अनुवाद आप करें, एक्सटेंडेड बढ़ा हुआ डाटा और आउटपुट, मतलब आउटपुट देने के लिए, यानी कि ये डाटा के आउटपुट को बहुत ज्यादा बढ़ा सकती है। कैसे बढ़ाएगी? तो यहाँ पे आप पढ़ेंगे ना, किसी भी मेमोरी स्थान, बाकी रैम की कुछ एक लिमिट होती है कि मैं यहां तक जा सकती हूँ, ये बोल रही है मैं कहीं तक भी जा सकती हूँ। तो ये चीज क्या हो गई? एक्सटेंडेड डाटा आउटपुट। सिंक्रोनस डी रैम, डी रैम ही है ये, डायनामिक रैम ही है, लेकिन कौन सी वाली है? सिंक्रोनस। ठीक है, और इसमें यूज किसका होता है? क्लॉक रेट का। क्लॉक रेट मतलब जिसका यूज सीपीयू करता है, इसमें सेकंड के हिसाब से काम चलता है, इतने सेकंड में ये काम हुआ, इतने सेकंड में ये काम हुआ, एक मिनी सेकंड, माइक्रो सेकंड, सेकंड में काम चलता है, तो वो उस रेट के हिसाब से काम करती है। ठीक है,
और डबल डाटा रेट एसडीरैम, एसडीरैम का ही दूसरा टाइप डीडीआर एसडीरैम, डबल डाटा रेट, डबल डाटा रेट यानी कि ये डाटा का स्थानांतरण, और क्लॉक, क्लॉक मतलब ऊपर वाला काम तो करती है, उसके साथ में ये जो था ना स्थानांतरण का काम कि डाटा को एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाना, वो काम भी करती है। ठीक है, तो वो हो गई डबल डाटा रेट एसडीरैम। एसडी का मतलब, एस का मतलब क्या हुआ, सिंक्रोनस, और डी का मतलब डायनामिक जो चल रहा था। अब रोम की बात कर रहे थे, तो रोम एक तो नॉन वोलाटाइल होती है, और नॉन वोलाटाइल है तो अगर बिजली भी चली गई आपकी तो डाटा आपका स्टोर रहेगा, वो कहीं नहीं जाएगा। ठीक है, और नॉर्मली इसमें सिर्फ रीड होता है, तो इसका मतलब आप डाटा को स्टोर परिवर्तित नहीं कर सकते हो, चेंज नहीं कर सकते हो, है ना, चेंज नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता किसमें, आपके रोम के अंदर। अब रोम के आपके कुछ टाइप बताए तो पी रोम, ई प्रोम, फ्लैश मेमोरी। पी रोम, ई प्रोम और फ्लैश मेमोरी, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। रोम का पूरा नाम तो पता है ना, रीड ओनली मेमोरी। पी का मतलब हो गया प्रोग्रामेबल, ई प्रोम इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और फ्लैश मेमोरी प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और तीसरा आपके सामने आया है फ्लैश मेमोरी। फ्लैश मेमोरी, और एक तरीके से इसका दूसरा नाम आप ये भी दे सकते हो, डबल ई पी रोम। इलेक्ट्रॉनिकली, इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इलेक्ट्रॉनिकली, यहां पे जगह कम रह गई है तो या तो मैं आगे की तरफ इसका नाम लिख देता हूं, फर्स्ट वाले ई का क्या पूरा नाम है, इलेक्ट्रॉनिकली, और आगे वही इरेजेबल, पी का मतलब प्रोग्रामेबल, और फिर रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, तो ये तीन टाइप बताए आपके। पी रोम क्या हो गया, जो नॉर्मल रोम है जिसमें सिर्फ स्टोर रहता है, बाकी कुछ नहीं होता, हटा नहीं सकते हो कुछ भी, और कुछ भी चेंज नहीं कर सकते हो। तो जो मैंने शुरुआत में बताया ना, जो प्रोग्राम फीड होते हैं स्टार्टिंग में, वैसी रोम पी रोम होती है। ई प्रोम जिसमें कभी कभी आप डाटा को खाली कर सकते हो, फिर वापस भर सकते हो। कैसे खाली करोगे, इसमें संग्रहित इंफॉर्मेशन को 15 मिनट तक यूवी किरणों यानी कि सूर्य की किरण, सूर्य की किरण है ना, तो सूर्य की किरण में अगर आप रखते हो तो फिर आपका क्या हो सकता है, ये डाटा हो सकता है कि डिलीट हो जाए। ठीक है, तो सूर्य की किरण के सामने रख के उजागर करके मिटाया जा सकता है। इस प्रोसेस के द्वारा स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन किसी एक हिस्से तक नहीं मिटता है, पूरा का पूरा मिटता है, ये ध्यान रखना। ऐसा नहीं कि छोटा सा मेरे को एक फाइल डिलीट करना तो एक फाइल डिलीट होगा, पूरी की पूरी डिलीट हो जाएगी, है ना, पूरा कंटेंट डिलीट हो जाएगा। ई प्रोम सस्ती और विश्वसनीय है, सस्ती भी होती है, ट्रस्ट वाली भी होती है। और फ्लैश मेमोरी, इनका उपयोग नॉर्मली कहाँ कहाँ करते हैं, जैसे डिजिटल कैमरे में, MP3 प्लेयर में, इनको कहते हैं कि इनको ना आप क्या कर सकते हो कि कभी कभी इलेक्ट्रो मतलब एक तरीके से एक फ्लैश के साथ आप डिलीट कर सकते हो अंदर फाइलें, एक इलेक्ट्रॉनिकली सिग्नल डाल करके आप इसमें से फाइलों को हटा सकते हो। यहाँ पे ऊपर तो सूर्य की किरणें डालनी थी, और यहाँ पे इसमें जैसे कैमरे के अंदर ही वो लगे हुए होते हैं जिससे कि आप अंदर से रोम को खाली कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रोम था, इतना ज्यादा कुछ खास नहीं था, बस इनके पूरे पूरे नाम याद रख लेना, बाकी ज्यादा इतनी दिक्कत वाली बात नहीं है। सेकेंडरी मेमोरी, सबसे बड़ी विशेषता सेकेंडरी मेमोरी नॉन वोलेटाइल होती है, और इनकी स्पीड सबसे धीरे होती है, यानी कि मेन मेमोरी की तुलना में भी धीमे होती है स्पीड, है ना, और इनका प्रयोग स्थायी रूप से डाटा को रखने में काम में आता है, यानी कि आपको स्टोरेज हमेशा के लिए रखना है तो आप किसका यूज करोगे, सेकेंडरी मेमोरी का। अब इनके एग्जाम्पल मैं नॉर्मली बताऊं तो आपकी जो हार्ड डिस्क होती है कंप्यूटर की, आपने CD का नाम सुना हो, DVD का नाम सुना हो, पेन ड्राइव का नाम सुना हो, ये सब आप हमेशा काम में लेते हैं, और इसमें आपका डाटा हमेशा रहता है जब तक आप हटाते नहीं है, तो ये चीजें आपकी सबकी क्या हो गई, सेकेंडरी मेमोरी। आपने मेमोरी कार्ड चलाते हैं आप, वो मेमोरी कार्ड भी आपका क्या है, एक तरीके से सेकेंडरी मेमोरी। अब इनकी कुछ विशेषताएं देख लो, तो ये दो तीन तरह की होती है, जैसे ऑप्टिकल होती है और मैग्नेटिक होती है। अब ऑप्टिकल मैग्नेटिक में आप वैसे ज्यादा नहीं जाओगे तो भी चलेगा, क्योंकि ऑप्टिकल का वैसे मतलब होता है कि जो ज्वलनशील होती है, मैग्नेटिक मतलब चुंबकीय,
ठीक है, ऑप्टिकल और मैग्नेटिक, मैग्नेटिक मतलब चुंबकीय, ऑप्टिकल मतलब ज्वलनशील, और जिनका बैकअप मेमोरी के रूप में होता है, मतलब इसमें बैकअप के तौर पे काम में आती है, जिसमें कि डाटा को स्टोर करना ही उनका मेन सिद्धांत होता है। उद्देश्य क्या है कि डाटा को बैकअप करके रखना, स्टोर करके रखना। बिजली बंद होने पे भी डाटा स्थायी रूप से रहेगा, ये मैंने बता ही दिया। नॉन वॉलेटाइल एक वर्ड से समझ जाओ कि स्थायी स्वरूप, यानी कि कभी भी डाटा नहीं हटेगा जब तक कि आप नहीं हटाते हो, और प्राइमरी मेमोरी से स्लो होती है, ये ऊपर बात हो गई। ठीक है, और जब जब बड़े बड़े डाटा को भरने की बात आएगी तब तब आप इन्हीं का यूज करोगे। तब आप ऐसा नहीं कि आप बोलोगे रोम भी तो नॉन वॉलेटाइल होती है, रोम छोटे मोटे स्टोरेज में होती है, केबी में, छोटी छोटी एमबी में, उसके अलावा नहीं होती। बाकी बड़े स्टोरेज के लिए आपको सेकेंडरी मेमोरी में ही आना पड़ेगा। ठीक है, अब फर्स्ट बताया जैसे आपके हार्ड डिस्क, तो हार्ड डिस्क में कहा जाता है कि ये एक मैग्नेटिक डिस्क है। कौन सी डिस्क है? मैग्नेटिक। आपको ऊपर दो नाम बताया ना, मैग्नेटिक और ऑप्टिकल। हार्ड डिस्क एक मैग्नेटिक डिस्क है, चुंबकीय सामग्री से लिपित होती है, और इसमें दो नाम याद रखना। कभी भी आपके सामने अगर ये आ जाए ना कि प्लेटर्स और सेक्टर्स, ये मैं आपको नाम बता रहा हूँ, प्लेटर्स और सेक्टर्स, जो कि लिखने और पढ़ने का काम करते, तो प्लेटर्स और सेक्टर्स का नाम आ जाए तो किसको आप ऑप्शन भर दोगे? हार्ड डिस्क का। नॉर्मली यही क्वेश्चन बन सकता है इस हार्ड डिस्क से, है ना। और इसकी साइज वगैरह है कि कितने कितने साइज की हो सकती है, तो ये तो अलग अलग साइज डिपेंड करता है, ये क्वेश्चन आपके सामने नहीं बनेगा कभी भी, है ना। ये जैसे 80 GB की भी होती है, 160 GB की होती है, 320 GB की होती है, 500 GB की होती है, 1 TB की होती है, ठीक है। उससे 80 से छोटी भी होती है, जैसे 40 GB, 20 GB की भी होती है, 10 GB की भी होती है। तो इस तरीके से ये इसके साइजेज है, इसके आपको मैटर नहीं है, हार्ड डिस्क की साइज आपसे नहीं पूछी जाएगी। अब दूसरा ऑप्टिकल डिस्क है, तो ऑप्टिकल डिस्क में आ जाते हैं आपके सीडी, डीवीडी, इसके अलावा सीडी के भी अलग अलग टाइप, डीवीडी के अलग अलग टाइप। तो सीडी की नॉर्मली साइज कितनी होती है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 650 से 700 MB सीडी कोई भी हो, और डीवीडी की नॉर्मल साइज होती है 4.7 GB, और अगर उसमें लेयर दो है, अगर उसमें लेयर दो है, लेयर में बांटा हुआ होता है। अगर आप देखोगे कभी सीडी या डीवीडी को उल्टा करके, तो एक ही जैसा कलर की धार दिख रही है तो एक लेयर है, कभी कभी दो कलर दिख रहे हैं, एक कलर पार्टीशन अलग है, दूसरा कलर अलग है, तो वहां पे दो लेयर है, तो दो लेयर की साइज कितनी हो जाएगी? 8.5 GB। तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं मैक्सिमम डीवीडी की साइज कितनी हो सकती है, तो आप क्या बोलेंगे? 8.5 GB, 8.5 GB। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाए एक लेयर के अंदर डीवीडी की मैक्सिमम साइज क्या हो सकती है, तो आप बोलेंगे 4.7 GB। आपसे पूछा जाए सीडी की अधिकतम स्टोरेज क्या हो सकती है, तो 700 MB। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके सामने बन सकता है। अब इनके सबके दो टाइप होते हैं, या तो वो रिकॉर्डेबल होगी या वो रीराइटेबल होगी। रिकॉर्डेबल मतलब केवल R, रीराइटेबल मतलब RW। ये देखो जैसे वॉर्म, और तो इसका नाम क्या है? सीडी रिकॉर्डेबल डिस्क। इसके बाद कॉम्पैक्ट डिस्क रीड राइट, RW, रीड राइट, रीराइटेबल। तो ये केवल R वाली है सीडी, और ये RW वाली है, तो सीडी RW, सीडी रिकॉर्डेबल मतलब CDR वाली। और ऐसे ही डीवीडी के भी दो टाइप है। सीडी का पूरा नाम आप ध्यान रख लेना, सीडी का पूरा नाम होता है कॉम्पैक्ट डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क। और डीवीडी का पूरा नाम आपके सामने दे रखा है डिजिटल वर्जेटाइल डिस्क। जो जो पूरे नाम याद करने हैं उनके मैं जोड़ देता हूँ थोड़ा, कि उनके नाम आपको याद करने पड़ेंगे, तो ये आपको पढ़ने पड़ेंगे। जैसे सीडी का पूरा नाम हो गया कॉम्पैक्ट डिस्क, उसमें आर आता है तो रिकॉर्डेबल, RW आता है तो रीड और राइट, रीड राइटेबल, RW। अब यहां पे रिकॉर्डेबल में क्या होता है कि आपने जो एक बार भर दिया, एक बार भर दिया वही फिक्स हो जाता है, उसमें आप बार बार नहीं भर सकते हो, ना पुराना भरा हुआ हटा सकते हो, यानी कि एक ही बार डाटा को स्टोर कर सकते हैं, और इस डाटा को लेजर बीम के थ्रू स्टोर किया जाता है। ये तो कोई भी डिस्क हो ना, ऑप्टिकल वाली, सब में जो स्टोर किया जाता है वो लेजर बीम के थ्रू ही किया जाता है, तो ये बात हर जगह आएगी कि लेजर के थ्रू ही इसमें डाटा भरा जाता है। और सीडी को भरने को क्या बोलते हैं? राइट करना। ये आप जब नेरो प्रोग्राम आपको सिखाया जाएगा, और अपने एक चैप्टर भी है, वो चैप्टर में होगा, या फिर आपके जो कंप्यूटर प्रैक्टिकल चल रहा है वहां पे आपको नेरो प्रोग्राम सिखाया जाएगा, तो उसमें ये चीज आपको समझ में आ जाएगी। इसी तरीके से RW अगर है, केवल रिकॉर्डेबल नहीं है, अगर वो रीराइटेबल है, तो इसका मतलब है कि उसमें आप सूचनाएं लिख भी सकते हैं और मिटा भी सकते हैं, यानी कि आपने एक बार भर दिया, पुराना हटा दिया, फिर वापस भर दिया, भर दिया, पुराना हटाया, फिर वापस भर दिया, ये चीज आप किसमें कर सकते हैं? रीराइटेबल के अंदर।
और ऐसे ही डीवीडी होती है, बस साइज का फर्क है, क्योंकि डीवीडी की साइज ज्यादा होती है, सीडी की साइज कम होती है। ब्लू रे डिस्क, ये भी डीवीडी की तरह ही होती है, डीवीडी नहीं होती है, डीवीडी की तरह ही होती है, बस इनकी भंडारण क्षमता जो होती है 50 GB से 500 GB की होती है। ठीक है, आप कुछ देखना चाहेंगे क्या फोटो ब्लू रे डिस्क का? अगर हमको कुछ मिलता है इंटरनेट पे तो हम फोटो दिखा देते हैं भले। जैसे ब्लू रे डिस्क क्या होती है, आपने सीडी डीवीडी तो जरूर देखी होगी, लेकिन ये नाम आपके सामने नया आ रहा है कि ब्लू रे डिस्क आखिर होती क्या है। तो ये आप देखिए, ब्लू रे डिस्क, ये मैं सर्च करता हूँ, जैसे तो आप देखेंगे ना, तो होती बिल्कुल ये सीडी की तरह ही है, यानी कि शेप जो इसका होता है वही सर्कल वाला गोल होगी, वही सीडी की तरह सर्कल की तरह होगी, बस इसकी जो साइज होती है ना वो चेंज होती है, कि डीवीडी की साइज तो कितनी 8.5 GB तक रह जाती है, इन ब्लू रे डिस्क की साइज 50 GB, 500 GB, 25 GB, यानी कि 8.5 से बड़ी बड़ी होगी। तो इस तरीके की ये देखो ब्लू रे डिस्क भी बिल्कुल डीवीडी की तरह ही दिखती है। ठीक है ना, अभी आपको कुछ बता रहा है उपयोगी जानकारी, पढ़ लेना इसको अगर आपको उपयोगी लगे थोड़ी। ये विंडोज की के साथ में आप अगर ई दबाते हो तो छोटा सा ड्राइव, छोटा सा प्रतिशत पट्टी के आपके द्वारा कितना डिस्क स्पेस उपयोग किया जा रहा है। तो विंडो के साथ में अगर आप क्या दबाते हो, ई दबाते हो, फाइल एक्सप्लोरर खुलेगा विंडो के साथ में ई दबाने पे, तो ठीक है ना, क्यूक एक्सेस खुलेगा इससे, कि आप क्या क्या अभी यूज ले रहे हो वो चीज आपकी खुल जाएगी। अब पेन ड्राइव, तो पेन ड्राइव आप लोग जानते हैं वैसे छोटा सा डिवाइस होता है जिसको आप कभी भी एक पोर्ट के अंदर डालते हैं, और वो पोर्ट क्या कौन सा होता है, यूएसबी, यूनिवर्सल सीरियल बस, यूनिवर्सल सीरियल बस, ये क्या होता है यूएसबी पोर्ट, यूएसबी पोर्ट के माध्यम से जोड़ा जाता है यूनिवर्सल सीरियल बस, और इसको बहुत आसानी से डिस्कनेक्ट कर सकते हो, जब चाहो लगाओ जब चाहो हटाओ। स्मार्ट मीडिया कार्ड, एक तरीके से आपका जो कैमरे के अंदर जो कार्ड यूज होता है ना वो कहलाता है स्मार्ट मीडिया कार्ड। एक मेरे पास यहाँ पे कार्ड अवेलेबल है, मैं आपको दिखा सकता हूँ, ये एक स्मार्ट मीडिया कार्ड है। ये इस तरीके का होता है कि आपको एक छोटा सा कार्ड अगर दिख रहा हो तो ये कार्ड है, एक बिल्कुल छोटा सा कार्ड होता है, मोबाइल के कार्ड से थोड़ा सा बड़ा होता है, ये एक स्मार्ट मीडिया कार्ड होता है। सिक्योर डिजिटल कार्ड, तो ये होता है एसडी कार्ड, जो आप मोबाइल में मेमोरी कार्ड यूज लेते हैं ना वो ये होता है, सिक्योर डिजिटल कार्ड, एसडी कार्ड आप बोलते हैं ना मेमोरी एसडी कार्ड, तो एसडी का पूरा नाम हो गया सिक्योर डिजिटल। इसमें मिनी एसडी आता है, माइक्रो एसडी आता है, तो दो तरीके के होते हैं, छोटी छोटी साइज, एक मिनी एसडी हो गया और एक माइक्रो एसडी हो गया, कुल मिला के यूज इनका भंडारण करना ही है, स्टोर करना ही है। कंप्यूटर मेमोरी क्या है, तो कंप्यूटर मेमोरी क्या है, जिसमें स्टोरेज का सारा काम किया जाता है वो क्या है, कंप्यूटर मेमोरी। रैम और रोम के बीच अंतर, वोलेटाइल कौन और नॉन वोलेटाइल कौन, वोलेटाइल रैम या रोम, रैम, और नॉन वोलेटाइल रोम। वोलेटाइल का मतलब जिसमें डाटा अस्थायी रहता है, नॉन वोलेटाइल का मतलब जिसमें डाटा स्थायी रहता है। ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी क्या है, सीडी रोम कैसे कार्य करता है, तो सेकेंडरी मेमोरी जिसमें डाटा नॉन वोलेटाइल रहता है, स्पीड किससे कम होती है, प्राइमरी मेमोरी से कम होती है, डाटा कभी भी हटता नहीं है पावर ऑफ होने पे भी। सीडी रोम कैसे कार्य करता है, तो सीडी रोम मतलब रोम, रीड ओनली मेमोरी, यानी कि ये रिकॉर्डेबल है ना, ये ध्यान रखना, रोम मतलब रीड ओनली मेमोरी, यानी कि ये रिकॉर्डेबल है, इसमें आप एक बार डाटा देख सकते हो और भर सकते हो। और अगर केवल रोम है तो इसमें तो आप सिर्फ राइट भी नहीं कर सकते हो, केवल रोम है ये, वो एक जो ऊपर देखा था अपने वो वॉर्म था, आपने देखा क्या, WORM, और ये क्या है, केवल रोम है, तो केवल अगर रोम है तो फिर वो क्या है, सिर्फ रीड करेगा, और अगर वो वॉर्म है तो फिर वो राइट भी करेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना, तो सीडी को जब केवल पढ़ने वाली हो जिसमें सिर्फ आप डाटा देख सकते हैं तो फिर वो सीडी रोम हो जाएगी।